हेलो गाइस, वेलकम टू दी बैंकिंग ब्लॉग्स ऑफ रिशिका। तो आज जो टॉपिक है, जाहिर सी बात है आज पेपर SBI एप्रेंटिस 2023, मतलब इस साल जो भी फॉर्म आया था SBI एप्रेंटिस का। एक सेकंड, ये क्या हो गया, कहाँ चला गया? अच्छा, SBI अप्रेंटिस का जो भी फॉर्म फिलअप हुआ था उसका आज पेपर हो रहा है। मतलब दो शिफ्ट हो चुका है, ऑलमोस्ट थर्ड शिफ्ट चल रही है, फोर्थ शिफ्ट होगी जाहिर सी बात है। तो बहुत सारे लोग, मुझे पता है कि यहाँ पे बहुत सारे जिनकी भी पेपर होगी, जाहिर सी बात है वो देखना पसंद करते हैं कि आखिर एग्ज़ाम का लेवल क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है, जो भी, मतलब बहुत तरह की बातें हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि सबसे पहले तो मैं ये बताऊं आपको कि SBI अप्रेंटिस एक असली कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है। इसे कहते हैं असली कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब। जैसे कि लोगों को लगता है ना कि IDBI कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है, लेकिन एक्चुअल में SBI अप्रेंटिस कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है, जो कि सिर्फ एक साल का होता है, ठीक है। तो इसकी जो एग्ज़ाम का जो आज लेवल आ रहा है, मैं आपको बता देती हूँ एकदम शॉर्ट एंड, मतलब ये नहीं कि हाँ इसमें इतना आ रहा है, इसमें ऐसा आ रहा है, मैं ओवरऑल बात बताऊँगी कि जो जल्द से जल्द आप समझ जाएँ कि हाँ इसका लेवल क्या आ रहा है। लेवल ईजी आ रहा है, ईजी है लेवल, चाहे वो रीजनिंग की हो, जनरल अवेयरनेस की हो, इंग्लिश की हो। हाँ, क्वांट कहा जा रहा है कि क्वांट थोड़ा सा मॉडरेट आ रहा है, मॉडरेट इन द सेंस कि बाकी सारा अगर इजी है तो क्वांट का जो लेवल है वो इजी टू मॉडरेट है, ठीक है। तो क्वांट का थोड़ा सा लेवल आ रहा है, अदरवाइज ओवरऑल पूरा पेपर इजी ही है। जनरल अवेयरनेस जो इसमें आती है वो ऊपर ऊपर आती है, मतलब ऐसा, मतलब जो बाकी SBI क्लर्क होता है या फिर और भी जो बैंक एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें डीप पूछते हैं, इसमें इतना डीप नहीं होता है, इसका लेवल उससे इजी होती है। और एक आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं हम लोग कि इजी होना ही लाजमी है, क्योंकि एक परमानेंट जॉब आपको दे नहीं रहे, सबसे पहली बात। दूसरी बात, पहले तो ये कि ये परमानेंट जॉब नहीं है, सबको पता ही होगा जिन्होंने भी दिया है। दूसरी बात, इसकी सैलरी बहुत कम है, इसकी सैलरी 15K है ओनली। इसका जो जॉब प्रेशर है वो वही है जो कि बैंक का प्रेशर होता है। ये नहीं कि आप सोचेंगे कि आपकी सैलरी कम है तो प्रेशर भी कम होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है, प्रेशर भी अच्छा खासा है। इवन बहुत लोग तो कहते हैं कि लेबर की तरह काम होता है इसमें, लेकिन खैर वो बात की बात है, वो सब चलो, जॉब काम तो हर जगह है, बट उस काम के पैसे अगर अच्छे खासे मिलते हैं ना, और माइंड में हो ये परमानेंट जॉब है, तो फिर ये प्रेशर नहीं लगता है ना, क्योंकि बैंक जॉब का दूसरा मतलब ही प्रेशर, काम और बहुत सारा काम है। तो ये चीज़ आप माइंड में रख लें कि ये एक टेम्प्रोरी जॉब है जो एक साल तक होगा। एक साल के बाद फिर आप उन्हें क्लेम नहीं कर सकते कि मतलब मैं यहीं रहूँगी या फिर मेरा प्रमोशन हो जाए, ये उनका मैटर नहीं है, ये आपका प्रॉब्लम है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी सब कुछ आपको बता दिया है। SBI बैंक है तो बिल्कुल SBI बैंक है, आपको SBI बैंक में ही जॉब करनी है, SBI बैंक आई कार्ड सब कुछ आपको SBI की तरफ से ही मिलेगा। बट फिर वही बात आ जाती है कि परमानेंट जॉब नहीं है और सैलरी इसकी सिर्फ और सिर्फ 15,000 रुपये है, ठीक है। अब रही बात कि जॉब लोकेशन क्या होगी, तो जो जॉब लोकेशन होगी वो डिपेंड करता है कि उनको ज़रूरत कहाँ है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके घर के मोहल्ले के बगल में दे देंगे लड़की हो तो, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे देखा कमेंट कि तुम गर्ल हो ना, लड़की हो तो तुम्हें तो बगल वाले दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बैंक में ऐसा बायस नहीं होता है लड़का लड़कियों के साथ, जितनी कट ऑफ लड़के ला के क्रैक करते हैं ना उतनी ही लड़कियाँ भी लाती हैं, जितना फॉर्म चार्ज लड़कों को लगता है उतना ही लड़कियों को भी लगता है। तो बैंक ये सब चीज़ों में बायस नहीं करती हैं, जैसे SSC में देखने को मिलता है, तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं है। मैंने अच्छे अच्छे लड़कियों को देखा है बहुत दूर जॉब लोकेशन, और लड़कों को भी देखा है आसपास के लोकेशन में, है ना। तो ये सब चीज़ मैं इसलिए बता रही हूँ ना कि ताकि आप समझ लो कि इसका पेपर इतना टफ नहीं आएगा। अब SBI है तो लोग SBI सोच कर ही डर जाएंगे, अरे यार पेपर तो बड़ा टफ आएगा, फर्स्ट शिफ्ट तो चलो ईजी है, थर्ड शिफ्ट बहुत टफ आएगा, फोर्थ शिफ्ट, ऐसा कुछ नहीं है, पेपर टफ नहीं आएगा, पेपर ईजी ही आएगा, आराम से दीजिए, काम रहिए। और जैसा कि मैंने बताया आपको कि GA डीप नहीं आ रहा है, इंग्लिश भी बस वही सारा चीज़ चल रहा है, मिस स्पेल्ड वाला वर्ड स्वैप, ठीक है। उसके बाद फिर कॉम्प्रहेंशन, जाहिर सी बात है कॉम्प्रहेंशन तो होंगे ही होंगे, एरर, मतलब यही सब सिंपल जो पहले चल रहे हैं उसी का लेवल, नॉर्मल लेवल ही आ रहा है, ईजी लेवल आ रहा है। और रीजनिंग में भी पजल, ठीक है, पज़ल तो आएंगे ही, छोटे छोटे पज़ल आ रहे हैं, और बस आप अगर स्ट्रक ना करें तो डुएबल है, सारे क्वेश्चन डुएबल है, थोड़ा सा क्वांट जो है वो आपको
थोड़ा सा बाकी सारे पेपर से थोड़ा सा लेवल उसका ऊंचा है बस। तो पैनिक मत होइए, आराम से पेपर दीजिए। जिन्होंने भी फॉर्म भरा होगा तो जाहिर सी बात है क्रैक करने के लिए भरा होगा, ऐसा नहीं है कि बस फॉर्म भर दिया जो होगा देखा जाएगा, बिल्कुल नहीं। उन्हें सब कुछ पता होगा कि ये परमानेंट नहीं है, टेम्प्रोरी जॉब है। अगर उनकी मतलब होती है जो भी जॉब लोकेशन तो उनकी सैलरी भी इंक्रीमेंट नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि अभी आपकी 15K सैलरी है, अगर आप काम अच्छा करोगे तो 3 महीने बाद आपकी ये 15K से 25K हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। एक फ़िक्स जॉब है, ठीक है। तो ये सारा मतलब जो भी इसके प्रोज और कॉन्स थे वो मैंने आपको बता दिया, और जो भी क्वेश्चन के लेवल थे वो मैंने बताया। तो बिल्कुल भी पैनिक मत होइए, ऑल द वेरी बेस्ट जिनका भी एग्ज़ाम है, और आराम से दीजिए और घर आके अपना ये नहीं कि माइंड में सोच रहे हैं क्या होगा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं, आराम से पेपर दीजिए। पेपर का लेवल इजी ही आ रहा है, ठीक है। तो बस इसीलिए वीडियो बनाया था, और प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।